हमारा हमेशा से ये मानना है कि एक विचार के तौर के ऊपर कारपूलिंग का मसला विचार के तौर के ऊपर ख़राब नहीं है, एज एन आइडिया ख़राब नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी होनी चाहिए। और अगर बगैर तैयारी के ये करेंगे और फेल हो गया तो दोबारा चालू नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा आइडिया है जिसको फेल नहीं होने दिया जा सकता, ना ही फेल होने दिया जाना चाहिए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, जिसमें चार प्रमुख चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, जब भी तैयारी हो सकती है। सबसे पहले बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले 10-11 महीने में सरकार ने एक पैसा एक बस नया खरीदने पर नहीं लगाया। जो मेट्रो का रूट पुराना था वही मेट्रो का रूट पुराना चल रहा है। मेट्रो नया फेज जो है उसको कोई नया जल्दी से अनाउंस नहीं किया गया। दूसरा, इसके अंदर पार्किंग की व्यवस्था, बसों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था कहीं पर भी नहीं की गई। हमारे जो जितने भी बस डिपोज हैं उनमें एडिशनल पार्किंग कहीं पर भी नहीं की गई। दूसरा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पार्किंग के झगड़े होते हैं। गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जब गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी लोग गाड़ियाँ नहीं लेकर के आएंगे तो उसको पार्किंग कहाँ पर दिल्ली के अंदर करेंगे। फिर उसके अलावा लास्ट माइल कनेक्टिविटी सबसे ज़रूरी है। हमारे बस डिपो या मेट्रो बस स्टॉप या मेट्रो से लोग अपने घर से कैसे जा पाएंगे, खास तौर के ऊपर फिजिकली चैलेंज लोग कैसे, शारीरिक रूप से विकलांग लोग कैसे उसका करेंगे, बुजुर्ग लोग कैसे करेंगे, महिलाएँ कैसे करेंगी, खास तौर के ऊपर देर रात के समय महिलाएँ कैसे उसमें आ पाएंगी, ये सारे के सारे मसले हैं। फिर इसमें हमारे थ्री व्हीलर्स और टैक्सीज की संख्या दिल्ली में बढ़ाई जानी चाहिए, तो उसके लिए कोई अभी तक के प्लान सरकार के पास में नहीं है। तो ये चार चीज़ें जब तक नहीं करेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिफाइनरीज और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन के लिए वो दोनों भी जिम्मेवार हैं, और उनके ऊपर प्रेशर डाले बगैर ये सारा का सारा बोझ जनता के ऊपर डाल दिया जाए, मैं समझता हूँ ये तर्कसंगत नहीं है।